हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस वीडियो से पहले हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। हमने इकाई 5 के बाकी सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से कर लिए हैं। तो गाइस, आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो से पहले। तो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन जैसे नगरों की नगर योजनाओं नियोजनाओं और निर्माण की कार्मिक हराश हुआ, यानी कि वो ख़त्म कैसे हुई। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी नगर योजनाएँ नगर नियोजनाएँ ख़त्म कैसे हुई। पुरानी जीर्णन ईंटों से बने और घटिया निर्माणों वाले घरों ने नगरों की सड़कों और गलियों पर कब्जा कर लिया। पतली विभाजिक दीवारों से घिरा हुआ आंगन का उपविभाजन कर दिया गया। शहर बड़ी तेजी से तंग बस्तियों में बदल गए, जिससे मोहनजोदड़ो की वास्तुकला के विस्तृत अध्ययन का हमें पता चलता है। विशाल स्नानागार हमें देखने को मिल जाता है। अनेक प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। कुछ समय बाद विशाल स्नानागार और अन्य भंडारों का उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया था। इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी एक वीडियो आई हुई है, उसमें आपको पूरी वीडियो में फोटो और ऑडियो से समझाया गया है, फोटो दिखा के समझाया गया है कि कैसे उस नगर का स्ट्रक्चर हुआ करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बेल आइकन पर प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ समय बाद उन अन्नागार और विशाल स्नानागारों का उपयोग बंद हो गया था। इस समय मोहनजोदड़ो में अपेक्षाकृत बाद के निवास स्थानों और मूर्तियों लघु मूर्तियों मन को चूड़ियों पिचकारी को नष्ट की संख्या में स्पष्ट कमी देखी गई थी, यानी कि कम हो गई थी ये सभी चीजें। अंत में मोहनजोदड़ो नगर 25 हेक्टेयर से सिकुड़कर मात्र 3 हेक्टेयर और छोटी सी बस्ती के रूप में परिवर्तित हो गया था। हड़प्पा के परित्याग से पहले लगता है एक और जन समूह आया था, जिसकी जानकारी हमें उनकी मुर्दों को दफन करने की पद्धति से पता चलती है। वे मिट्टी के जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वे हड़प्पा सभ्यता निवासियों के बर्तनों से अलग थी। उनकी संस्कृतियों में सीमेटरी एच यानी कि कब्रिस्तान एच संस्कृति कहा जा सकता है उसे। कालीबंगन और चन्हू दाड़ो जैसे स्थानों पर हमें हराश की प्रक्रिया के स्पष्ट गुप्तचर हो रही थी, दृष्टि गोचर हो रही थी, यानी कि खत्म कैसे हुई इसके बारे में हमें स्पष्ट प्रक्रिया नजर आ रही थी। शक्ति और विचारधारा से संबंध और भव्यता प्रदर्शन के समान अधिक से अधिक दुर्लभ हो रहे थे। बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर पूर्ण परित्याग हो गए, यानी कि अपना स्थान छोड़कर और कहीं चले गए। बहावलपुर क्षेत्र में हड़प्पाकालीन और परवर्ती हड़प्पाकालीन स्थानों के शहरी नमूने के अध्ययन से हमें हराश की प्रवृत्ति की लक्षणों का पता चलता है। हारूड़ा नदी के तट पर हमें प्रीपकव काल में जहां 174 बस्तियां थी, वह उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में बस्तियों की संख्या घटकर 50 रह गई। इस बात से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अपने जीवन के बाद के 200-300 वर्ष हड़प्पा सभ्यता के मूल प्रदेशों में बस्तियों का हराश हुआ, बस्तियां कम होनी शुरू हो गई। ये जनसमूह या तो नष्ट हो गए या फिर अन्य क्षेत्रों पर चले गए। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जहां हड़प्पा बावलपुर और मोहनजोदड़ो के त्रिभुज में बस्तियों की संख्या में हरास हुआ, वहीं गुजरात पूर्वी पंजाब हरियाणा और ऊपरी दुआब के दूरस्थ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या बढ़ गई। इससे इन क्षेत्रों में लोगों की संख्या में अपूर्व वृद्धि का संकेत मिलता है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या में आकस्मिक वृद्धि का कारण हड़प्पा के मूल लोगों का वहां आना था, यानी कि हड़प्पा के लोग गुजरात पूर्वी पंजाब हरियाणा और ऊपरी दुआब के क्षेत्रों में आकर बसने लगे।
हड़प्पा सभ्यता के दूर क्षेत्रों में जैसा गुजरात, राजस्थान और पंजाब के प्रदेशों के लोग रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हड़प्पा सभ्यता के संबंध कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जैसे कि लेखन तोलन के समान बांट, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन और वास्तुकला शैली लुप्त हो गई। नदियों के सिंधु नदी के नगर का परित्याग स्थूल रूप से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक हुआ होगा। इस तारीख का समर्थन इस तथ्य से होता है कि मेसोपोटामिया का साहित्य में 1900 ईसा पूर्व के अंत में हमें मेहुला का उल्लेख समाप्त हो गया, तथापि आज की हड़प्पा कालीन नगर का अंत का कालाक्रम स्थायी नहीं है। हम नहीं बता सकते कब खत्म हुआ होगा, कब अंत हुआ होगा। हम आज तक यह नहीं जान सके हैं कि मुख्य बस्तियों का परित्याग एक ही समय में हुआ या फिर अलग अलग समय पर हुआ, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग काल रहे, यानी कि अलग अलग सालों में या फिर एक साथ सभी बस्तियां छोड़कर चले गए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मुख्य नगरों के परित्याग और अन्य बस्तियों के विनगरीकरण ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के संकेत हमें मिलते हैं। आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत जो हमें, जो विद्वानों ने अपने दृष्टिकोणों से हमें ह्रास के कुछ कारण बताए हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। आकस्मिक विपत्ति जैसे कि साक्ष्यों की खोज से हमें शहरी समुदाय का सत्यनाश हो गया, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए कुछ अपेक्षाकृत अधिक संभावना युक्त सिद्धांत ये है, जान लेते हैं। यह भयंकर बाढ़ से नष्ट हुए होंगे, क्योंकि ये सभ्यताएं नदियों के किनारे पर बसी थी, तो संभव है कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी। ह्रास नदियों का रास्ता बदलने से और घग्घर हाकड़ा नदी तंत्र के धीरे धीरे सूख जाने से हुई होगी, या फिर नदियां सूख गई होंगी, पानी की कमी के कारण सूखा पड़ गया होगा और लोगों ने पलायन करना आरंभ कर दिया होगा। बर्बर आक्रमणकारियों ने शहरों को बर्बाद कर दिया था, यानी कि बर्बर नाम की जातियों ने आक्रमण कर दिया था शहरों पर और लोगों ने पलायन करना आरंभ कर दिया। केंद्रों की बदलती हुई मांगों से क्षेत्र की पारिस्थितिक भंग हो गई थी, और उसे संभालना नहीं जा सकता था, इसलिए लोग वहां से दूसरी जगह पर जाने लगे। आइए इसे हम समष्टि कारणों पर उनके दोष और गुणों के आधार पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि बाढ़ और भूकंप जैसी घटना हुई होगी, विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने के साक्ष्य भी शामिल हैं। हमें खुदाई करने वालों के नोटबुक से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में रिहायशी के विभिन्न अवधियों में अत्यधिक बाढ़ के साक्ष्य हमें मिले हैं। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि मोहनजोदड़ो में जो मकान और सड़कें पर इसके लंबे इतिहास के बारे में जो जानकारी देती है हमें, उनके ऊपर हमें कीचड़ युक्त भरी मिट्टी पड़ी हुई मिलती है, टूटे हुए भवनों की सामग्री और मलबे भरा हुआ मिलता है, जो कि किसी बाढ़ के पानी के साथ आई होंगी, जिसे पानी में सड़कें और मकान डूब गए होंगे। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद मोहनजोदड़ो के निवासियों ने पहले अपने मकानों के मलबों के ऊपर फिर से मकानों और सड़कें बना ली। इस प्रकार की भयंकर बाढ़ और मलबे के ऊपर पुनर्निर्माण का सिलसिला कम से कम 3 बार चला होगा, यानी कि वहां पर 3 बार बाढ़ आई और वहां के लोगों ने उसके ऊपर फिर से अपना, उसी मलबे के ऊपर फिर से अपने घर बना लिए। एक और बार बाढ़ आई, एक और बार डूब गए और उसके ऊपर एक और बार, यानी कि 3 बस्तियां एक ही जगह पर बसाई गई। रिहायशी क्षेत्र में खुदाई से हमें पता चलता है कि 70 फुट ऊंचाई पर रिहायशी तलों का सिलसिला था, 7 मंजिल इमारत की ऊंचाई के बराबर था। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में विभिन्न के बीच हमें कीचड़ के स्तर पाए गए हैं। आज के भूतल से 80 फुट ऊंचाई तक कई स्थानों पर कीचड़ के ढेर मिले हैं। इस प्रकार कई विद्वानों का विश्वास है कि ये मोहनजोदड़ो में विनाशकारी बाढ़ आने के साक्ष्य हैं। इन बाढ़ों के कारण पूरे इतिहास काल में शहर बार बार अस्थायी रूप से वीरान हुआ और फिर से बस गया। तो यह बाढ़ महाभयंकर थी, यह इस बात का प्रमाण देती है कि नदी की कीचड़
के ढेर आज भी भूतल से 80 फुट ऊंचाई तक हमें मिल जाते हैं। बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच गया था। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा निवासी इन्हें बार बार बाढ़ आने से मुकाबला करने में हिम्मत हार गए। इसीलिए ऐसी अवस्था में जब कंगाल हड़प्पा निवासी इसे और सहन ना कर सके तो वो अपनी बस्तियां छोड़कर चले गए। रेस्क की पक्कल्पना यानी कि महाभयंकर बाढ़ के सिद्धांत से ही ये ली गई है, जो कि R.L. रेस्क ने बताया है, जो कि जल वैज्ञानिक हैं। ऐसी बाढ़ जो बस्तियों के भूतल से 30 फुट ऊंचे भवनों को छू सकती है, सिंधु नदी में सामान्यतः बाढ़ आने का प्रमाण नहीं हो सकती। उसका विश्वास है कि हड़प्पा सभ्यता का हराश भयंकर बाढ़ के कारण हुआ, जिसे सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर बहुत समय तक डूबे रहे। उसने बताया कि भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से ये क्षेत्र अशांत भूकंप क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर भूकंप से ऐसा हुआ होगा। सिंधु नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों के ऊंचे स्तर तक पहुंच गए होंगे। सिंधु नदी के लगभग समकोण पर एक ध्रुवी के साथ साथ मैदानों के उत्थान में एक नदी का समुद्र की ओर भी अवरुद्ध हो जाता है मार्ग, तो इससे सिंधु नदी का पानी इकट्ठा होने लगा और उससे क्षेत्र एक झील में बन गया। यानी कि सिंधु नदी में बाढ़ के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से सिंधु नदी का पानी समुद्र में नहीं जा पाया और सिंधु नदी का पानी वहीं पर इकट्ठा होने लगा, जो एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, जिसने 30 फुट के ऊंचे भवन भी डुबा लिए। यानी कि झील की तरह एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगा, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस वजह से वहां ये भयंकर बाढ़ आई होगी। इससे सिंधु नदी का पानी इकट्ठा हुआ, उस क्षेत्र में एक झील बन गई, जहाँ से सिंधु नदी के शहर जो आबाद थे वो जल स्तर में विलीन हो गए, यानी कि शहर के शहर डूब गए। यहाँ बताया जाता है कि कांची के पास बालाकोट और मकराना तट पर सुत कांगनदोड़ और सक्ता कोही जैसे स्थान हड़प्पा निवासियों के समुद्री तट थे। यद्यपि आजकल ये समुद्र तट से दूर स्थित हैं, ऐसा संभवत है कि उग्र भूकंप के कारण समुद्र तट पर भूमि के उत्थान के प्रमाण स्वरूप हुआ होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे उत्थान दूसरी 2वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के किसी समय में हुए होंगे। इन उग्र भूकंपों से जिन्हें नदियों को अवरुद्ध कर दिया और शहरों को जला दिया, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इससे नदी पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों और तटीय संचार भंग हो गए। इसकी आलोचना भी की जाती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा तो उन विद्वानों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा के महाभयंकर विनाश का महान सिद्धांत कई विद्वानों को मान्य नहीं है, यानी कि इस तरह का विनाश का कारण कई विद्वान नहीं मानते। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा वो क्यों नहीं मानते। H.T. लैम्ब्रिक का कहना है कि भूकंप उत्थान अवरुद्ध हो जाएगी, एक नदी भूकंपीय उत्थान से इस प्रकार अवरुद्ध हो जाएगी निम्नलिखित के कारण नहीं हो सकते, यानी कि तो आइए जान लेते हैं उन्होंने इस तथ्य को क्यों कहा। यदि किसी भूकंप ने अनुप्रवाह एक कृत्रिम बांध बना भी दिया गया तो भी सिंधु नदी अत्यधिक मात्रा में जल से वह आसानी से तोड़ सकती थी। सिंधु में हाल ही में 1819 को भूकंप से जो टीला बन गया था वो सिंधु की एक छोटी नदी नारा से उत्पन्न पहली बाढ़ में ही बह गया था। यानी कि उन्होंने ये अभी हाल ही में हुआ 1819 में भूकंप से जो टीला बना था उसके आधार पर ये तथ्य कहा कि अगर उस समय में नदी का जल अवरुद्ध हुआ होगा तो सिंधु नदी में पानी का स्तर इतना था कि वह उसको आसानी से तोड़ सकता था, वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ऐसा कहना गलत है कि भूकंप की वजह से वो झील में बन गई होगी सिंधु नदी।
इन्होंने एक और तथ्य दिया कि जमा हो गए कीचड़ प्रकल्पित झील को पानी के उठते हुए तल के समांतर हो गई होती, यह नदी के पिछले मार्ग के तल एक साथ जमा हो गई होगी। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की कीचड़ बाढ़ के कारण इकट्ठा नहीं हुई थी। इस सिद्धांत पर दूसरी आलोचना, उन्होंने सिंधु नदी तंत्र के बाहर की बस्तियों के हराश का स्पष्टीकरण नहीं दिया। यानी कि ये कहना चाहते हैं जो जमा हो गई कीचड़ है, कल्पना कीजिए कि झील में पानी के उठते हुए तल समांतर हो गए, यानी कि एक बार पानी में डूब गए, यह नदी के पिछले मार्ग के तल के साथ जमा हो गए। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में कीचड़ बाढ़ के कारण इकट्ठा नहीं हुआ, यानी कि कीचड़ बाढ़ की वजह से इकट्ठा हुआ नहीं था। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के बाहर की जो बस्तियां थी, तो उसके हराश के, उसके खत्म होने के क्या कारण थे अगर ये बाढ़ के कारण हुआ होगा, इसीलिए ये तथ्य उन्होंने नहीं माना। तो सिंधु नदी का मार्ग बदलना, लैम्ब्रिक ने आगे कहा कि इस हराश के लिए अपना स्वयं का स्पष्टीकरण दिया। उसका मत है कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। सिंधु नदी एक अस्थिर नदी तंत्र है जो अपना तल बदलता रहता है, यानी कि अपना मार्ग स्वयं बनाती है। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से लगभग 30 मील दूर चली गई। शहर और आसपास के खाद्यान्न उत्पादक गांव के लोग इसी क्षेत्र से चले गए क्योंकि वे पानी के लिए तरस गए थे। मोहनजोदड़ो के इतिहास में ऐसे अनेक बार हुआ, शहर में दिखी कीचड़ वास्तव में हवा के कारण इकट्ठी हुई है, क्योंकि हवा में बड़ी मात्रा में रेत और गाद उड़कर यहाँ आई। इस गाद और विदर्भ कीचड़ कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों की संरचनाओं में वह गाद बन गई, जिससे गलती से बाढ़ से उत्पन्न गाद मान लिया गया। इस सिद्धांत ने हड़प्पा सभ्यता के हराश का कारण स्पष्ट नहीं होता। अधिक से अधिक यह सिद्धांत मोहनजोदड़ो का वीरान हो जाना स्पष्ट करता है, लेकिन मोहनजोदड़ो के निवासी नदी के मार्ग में इस प्रकार से बदलाव से अपरिचित थे, वे स्वयं ही किसी नई बस्ती में जाकर क्यों नहीं बस सकते थे, और मोहनजोदड़ो जैसे दूसरे शहर क्यों नहीं बसा सकते थे। स्पष्टतः ऐसा लगता है कि इसके कुछ और ही कारण रहे होंगे, तो आइए वो भी जान लेते हैं। शुष्कता में वृद्धि और घंघार का सूख जाना, यानी कि सूखा पड़ना भी इसका कारण हो सकता है। डीपी अग्रवाल और सूद ने हड़प्पा सभ्यता के हराश का नया कारण बताया। हड़प्पा सभ्यता का हराश का उसके क्षेत्र की बढ़ती शुष्कता के कारण घंघर नदी हाकड़ा के सूख जाने के कारण हुआ होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान में किए गए अध्ययनों के आधार पर रिजल्ट निकलता है कि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तथा शुष्कता की स्थिति में बहुत वृद्धि हो गई थी, यानी कि सूखा पड़ने लगा था, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी नमी और जल उपलब्धता में थोड़ी कमी आ गई थी, तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते थे। इससे कृषि उपज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इन्हीं कारणों से उनकी नगर अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस वजह से पश्चिमी राजस्थान के अस्थिर नदी तंत्रों की समस्या की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि घंघर हाकड़ा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का मूल क्षेत्र माना जाता है। घगर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रण से होकर बहती थी। सतलुज और यमुना नदी इस नदी के सहायक नदियां थी, और कुछ विवर्तनीय विक्षोभों के कारण सतलुज नदी में समा गई। यमुना नदी गंगा नदी में मिलने के लिए पूर्व की ओर रास्ता बदल गई। नदियों के रास्ता बदलने से घगर जलविहीन हो गई। इस नदी में अवस्थित नगरों में भयंकर उलझन हो गई। सूक्ष्मता में वृद्धि हुई, जल की निकासी स्वरूप परिवर्तन में ही आए प्रस्थितिक बदलाव के कारण हड़प्पा सभ्यता का हराश हुआ। इसमें कुछ रोचक तथ्य भी हैं, इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। शुष्कता की परिस्थितियों में
संबंधित सिद्धांतों के अध्ययन नहीं किया जा सकता। इससे सूचना इसके संबंध में और सूचनाएं अपेक्षाकृत है। इसी प्रकार घग्गर नदी सूख जाने का काल अभी तक उचित रूप से निर्धारित नहीं किया गया। बर्बर आक्रमण यानी कि हड़प्पा सभ्यता आक्रमणकारी आर्यों ने नष्ट की होगी, यानी कि बिलहर का मत है कि मोहनजोदड़ो में आवास के अंतिम चरणों में जनसंहार के साक्ष्य मिलते हैं। सड़कों पर मानव कंकाल पड़े हुए थे। ऋग्वेद में इनके स्थानों पर दाश और दस्युओं के किलों का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता इंद्र को पुरनंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेदकालीन आर्यों के आवागमन से भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर हाकड़ा क्षेत्र शामिल थे। ये ऐतिहासिक चरण में ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में उल्लेख किया गया हड़प्पा नगर ही है, जो ऋग्वेद में दिखाए गए हैं किले वो हड़प्पा नगर ही है। और ऋग्वेद में एक स्थान का उल्लेख है हरियुपिया, तो यह स्थान रावी नदी के तट पर अवस्थित था। आर्यों ने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा, इस स्थान का नाम हड़प्पा नाम लगता है। इन साक्ष्यों में विलहर ने निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा के शहरों को नष्ट करने का कार्य आर्य आक्रमणकारियों ने किया। यह सिद्धांत आकर्षक तो है, पर अनेक सिद्धांतों को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के हराश का अनुमानित समय 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके विपरीत आर्य यहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व से पहले नहीं आए होंगे। जानकारी की आज स्थिति के अनुसार दोनों में किसी भी समय को बदलना कठिन है, और इसलिए संभवतः यह है कि हड़प्पा निवासियों और आर्यों का कभी एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ। साथ ही न तो मोहनजोदड़ो में, न ही हड़प्पा में और न ही किसी और जगह सैन्य आक्रमण के साक्ष्य मिले। सड़कों पर मनुष्यों के शव पड़े मिले का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। बहरहाल बड़े शहरों का तो पहले ही अपकृष्ट हो चुका था, लेकिन इसके लिए आक्रमण पाक कल्पना उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकती। ये है कुछ साक्ष्य जो अभी तक हमने पढ़े। बाढ़ और भूकंप के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी का मार्ग बदलने का साक्ष्य, सूखा पड़ने का साक्ष्य, और बाबर अथवा आर्यों के आक्रमणों का साक्ष्य। तो इन स्थितियों में हमें आलोचनाएं मिलती हैं, यानी कि इनके आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं चारों कंडीशंस के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि प्रस्थितिक असंतुलन कार्मिक हरास की प्रिकल्पना, ये भी सिर्फ कल्पना की गई है, कोई पूरी तरह से हमें प्रमाणित नहीं मिलता है कोई भी प्रूफ। तो फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने हमें हड़प्पा सभ्यता के हरास की पारिस्थितिक समस्या के रूप में कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा नगर के आबादी की गणना की है और निवासियों की खाद्य जरूरतों का हिसाब लगाया। उसने गणना की है कि इन क्षेत्रों में ग्राम निवासी अपने उपज के लगभग 80% खपत स्वयं करते थे और 20% बाजारों में बिकने के लिए जाती थी। यदि कृषि में यही प्रतिमान पहले भी विद्यमान रहा होगा तो मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की आबादी 35,000 थी। खाद्यान्न उगाने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या में ग्राम निवासियों की आवश्यकता होती थी। फेयर सर्विस की गणना के अनुसार अर्धशुष्क क्षेत्र में नाजुक परिस्थिति संतुलन बिगड़ रहा था क्योंकि इन क्षेत्रों में मनुष्य और मवेशियों की आबादी अपर्याप्त जंगलों, खाद्यान्न और ईंधन के स्रोतों से तेजी से समाप्त हो रहे थे। इस हड़प्पा के नगर में निवासी किसानों और पशु चारकों की सम्मिलित आवश्यकताएं इन क्षेत्रों में सीमित उत्पादन क्षमताओं से अधिक थी। इसलिए मनुष्य और पशुओं की बढ़ती हुई आबादी के कारण जिसे अपर्याप्त स्रोतों का सामना करना पड़ रहा था, प्रकृति की छटा मंथम पड़ रही थी। जंगलों और घासों के मैदान धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। अब अधिक बाढ़ आ रही थी, जिनके कारण अधिक बाढ़ आ रही थी, अधिक सूखा पड़ रहा था। जीविका के इस आधार के नष्ट हो जाने के कारण इस सभ्यता की समस्त अर्थव्यवस्था
पर दबाव पड़ने लगा। लगता है कि धीरे धीरे लोग उन क्षेत्रों में जाकर बसने लगे जहां पर जीविका की बेहतर संभावना थी। यही कारण है कि हड़प्पा समुदाय सिंधु से दूर गुजरात और पूर्वी क्षेत्रों में की ओर चले गए। अब तक जिन सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी उन पर फेयरवर्ड्स के सिद्धांत सर्वाधिक युक्तियुक्त लगते हैं। संभवतः नगर नियोजन और जीवन स्तर के क्रमांकित ह्रास हड़प्पा निवासियों का जीविका आधार समाप्त हो जाने के कारण हुआ, यानी कि प्राकृतिक असंतुलन की वजह से हुआ। लोगों ने प्रकृति के संसाधनों का अधिकतर दोहन कर दिया, जिसकी वजह से असंतुलन के कारण सूखा और बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ आने लगी। इस पर्यावरण संकट के सिद्धांत पर उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि की उर्वरता बाद में शताब्दियों तक बनी रही, इससे इस क्षेत्र की भूमि की क्षमता समाप्त होने की प्राकल्पना उचित सिद्धांत नहीं हो सकती। साथ ही हड़प्पा निवासियों की जरूरतों की गणना अलग सूचनाओं पर आधारित है और हड़प्पा निवासियों की जीविका संबंधित अपेक्षाओं की गणना करने के लिए काफी अधिक और सूचना अपेक्षाकृत है। इस प्रकार हड़प्पा निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में अपर्याप्त सूचना पर आधारित गणना तब तक मात्र प्राकल्पना ही रहेगी जब तक आप इसके पक्ष में और अधिक साक्ष्य नहीं जुटा लेते। तो हम पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पक्ष दी हैं। इसके पक्ष में संबंध की इन श्रृंखलाओं की कोई भी कड़ी टूटने से नगरों के ह्रास का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो इनके बारे में अभी भी अध्ययन शुरू है। परंपरा बाद में जीवित रही सिंधु सभ्यता का अध्ययन करने वाले विद्वान अब इसके ह्रास के कारण नहीं खोजते। इसका कारण है कि जिन विद्वानों ने हड़प्पा का अध्ययन किया 1960 के दशक तक ही किया था, उनका मत है कि संभवतः सभ्यता का अंत अचानक हुआ। इन विद्वानों ने अपना कार्य नगरों, नगर नियोजनों और बड़ी संरचनाओं के अध्ययन पर केंद्रित किया। ऐसी समस्याएं जिससे हड़प्पा नगर के समकालीन गांवों से संबंध और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न तत्व नियंत्रित अनदेखी कर दी गई। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारणों के संबंध में वाद विवाद अधिक से अधिक अमूर्त बताया जाता है और अंतिम चरणों में जाकर हमें 1960 में ही मलिक और पोशेल जैसे विद्वानों ने अपना ध्यान हड़प्पा परंपरा की नियंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित किया। इन अध्ययनों में हमें हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारणों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तेजित मिलती है। अगर हम इनके परिवर्तनों की बात करें तो पुरातत्ववादियों की दृष्टि में हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। कुछ बस्तियों तो खाली कर दी गई और पर अधिकतर बस्तियों में रिहायशी जारी रही। एकारूप लेखन, महूरे बाट और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा समाप्त हो गई थी। दूरदराज की बस्तियों में हमें बीच के घनिष्ठ अंत क्रिया सूचक वस्तुएं नष्ट हो गई। अन्य शब्दों में नगर केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित क्रियाकलाप समाप्त हो गए। इस प्रकार जो परिवर्तन आए वे केवल नगर चरण की समाप्ति के ही सूचक थे। छोटे छोटे गांव और कस्बे तब भी बने रहे और इन स्थानों की पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व हमें मिलते हैं जो हम ऑलमोस्ट पढ़ भी चुके हैं, जिनमें हमने सिंधु के अधिकतर स्थानों में मृत भंड परंपरा में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा क्षेत्रों के बाद कालों में प्रवासी कृषि समुदायों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार हम क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में नगर चरण के बाद का काल समृद्ध गांवों का काल मानते हैं। इन नगरों के चरण के मुकाबले कहीं अधिक गांव हो गए थे। यही कारण है कि विद्वान आज सांस्कृतिक परिवर्तन और क्षेत्रीय प्रवासन और बसने और जीविका के तंत्र में रूपांतरण जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में प्राचीन भारतीय सभ्यता नष्ट होने के बारे में बात नहीं करता है, जबकि गंगा घाटी के अधिकतर नगरों का ह्रास हुआ था। आइए देखते हैं नगर चरण की समाप्ति के इस चरण में किन किन
अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक खोज होती है। सिंधु की अगर हम बात करें तो सिंधु में अमरी और चन्हूदाड़ो झुंकर जैसे हड़प्पा कस्बों में लोग ऐसे ही रहते रहे जैसे पहले रहते थे। वे अब भी ईंटों के मकान में रहते थे और सुनियोजित विन्यास त्याग दिया था। मृत भांडों को उपयोग में लाया जाता था, झुककर मृत भांड कहा जाता था इन्हें। पांडु भांड भी थे होते थे, लाल पट्टी होती थी, काले रंग की चित्रकारी होती थी। हाल ही के अध्ययनों में हमें पता चला है कि विकसित हड़प्पा मृत भांड की विकसित किए गई थी ये परंपरा, इसलिए कोई नई चीज नहीं माना जा सकता इसको। झुंकर में कुछ विशेष धातुएं मिली हैं, हमें वस्तुएं मिली हैं धातु की, ईरान के साथ व्यापार संबंधों के सूचक मिले हैं। इससे अधिक इस बात की भी संभावना प्रदर्शित करती है कि ईरानी अथवा मध्य एशिया प्रभावों वाले प्रवासियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ होगा। दंड विवरण कुल्हाड़ियां और तांबे के पिन जिनके सिरे कुडालकर अथवा अलंकृत थे, जिससे जैसे यहाँ मिली हुई ईरानी वस्तुएं में भी हमें यही मिलते हैं। पत्थर अथवा प्रकाशित वस्तुएं जो कि गोलाकार महूरें और कांस्य प्रस्थान सिंधु की पश्चिम संस्कृतियों की संपर्क की सूचक हैं। भारत और ईरान सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं। ठप्पे, ताम्र मोहरे, ताम्र दंड, वीरे कुल्हाड़ियां आदि का इस्तेमाल हमें देखने को मिल जाता है। मुंडीगाक शाही टैंप, मुंडीगाक नौ शहरों में हमें और पीरक जैसे स्थानों पर लोगों के ईरान से आवागमन के संपर्कों के हमें प्रमाण मिल जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हमें ऐसी ही अनेक बस्तियों की सूचना मिली है। नगरों के हराश के बाद भी लोग उसी पुराने तरीके से रहा करते थे। मृत भांड परंपरा की हड़प्पा सभ्यता से धीरे धीरे क्षीण हो गई और मृत भांड परंपराओं ने हड़प्पा मृत भांड परंपरा की पूरी तरह से स्थान ले लिया। इसी प्रकार हम मिताथल, रोपड़ और शिशवाल जैसे स्थल सुप्रसिद्ध हैं। इस सब के लिए बाड़ और शिशवाल में ईंटों के मकान मिले। इनमें से कई स्थलों की हमें गैरिक मृत भांड मिले हैं। हमें प्राचीन भारतीय परंपरा और ऐतिहासिक स्थलों में भी मृत भांड मिले हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की ग्राम्य संस्कृति में हमें हड़प्पा परंपरा से संबंधित और प्रारंभिक भारतीय परंपरा का पूर्व ज्ञान होता है। तो आइए देख लेते हैं कच्छ और सौराष्ट्र में हमें क्या मिला। कच्छ और सौराष्ट्र के नगर चरणों का अंत रंगपुर और सोमनाथ जैसे स्थानों के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पे हमें हड़प्पा मृत भांड परंपरा के अस्तित्व के स्थानीय परंपरा मृत भांड परंपरा में देखी जा सकती है। यह परंपरा बाद के चरणों में बनी रही। रंगपुर जैसे कुछ स्थानों में बाद के कालों में अधिक समृद्ध हो गए थे, मृत भांडों का उपयोग करते थे और चमकीले लाल भांड कहा जाता था इनको। लोग दूरस्थ क्षेत्रों से आयाती औजार तथा सिंधु कालीन बाट और लिपियों का उपयोग बंद कर दिया था। अब वे स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बने औजारों को ही काम में लेते थे। विकसित हड़प्पा चरण में हमें गुजरात में 13 बस्तियां मिलती हैं, जो कि 2100 ईसा पूर्व के लगभग बताई जाती हैं। बस्तियों की संख्या 200 या फिर इससे कहीं अधिक तक पहुंच चुकी थी। बस्तियों की संख्या में वृद्धि को देखकर जनसंख्या की वृद्धि घोतक केवल जैविक कारणों से ही नष्ट हुई। पूर्व आधुनिक समाजों में जनसंख्या कुछ ही पीढ़ियों में इतनी अधिक नहीं बढ़ सकती थी। 13 बस्तियां बढ़कर 200 या फिर उससे अधिक हो जाए, इसी प्रकार इस बात की निश्चित संभावना है कि इन नई बस्तियों में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से आए थे। पर्वती हड़प्पा बस्तियां महाराष्ट्र में भी बताई गई हैं। यहाँ उनकी संस्कृति उभरने वाले कृषि समुदायों की संस्कृतियों में विलीन हो गई थी। हड़प्पा परंपरा का प्रचार देख लेते हैं। नगरों की समाप्ति का अर्थ यह नहीं था कि हड़प्पा समुदाय आपस में ही कृषि समूहों में विलीन हो गए। व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में केंद्रीय निर्णायनों कार्य समाप्त हो गए थे, जो हड़प्पा समुदाय नगर चरण के बाद भी बने रहे। उन्हें अवश्य ही अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखा होगा। इस बात की संभावना है कि हड़प्पा निवासी किसानों ने अपनी पूजा का रूप बनाए रखा होगा। हड़प्पा नगर
केंद्रों के पुरोहित अत्यंत संगठित शिक्षित परंपरा के अंग थे। साक्षरता समाप्त हो गई थी तब भी संभावना है कि उन्होंने अपनी धार्मिक प्रथाएं बनाए रखी होंगी। बाद में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रभावी समुदायों ने अपने आप को आर्य कहा। संभवतः हड़प्पा निवासियों के पुरोहित समूह आर्यों के शासक समूह के साथ घुल मिल गए और इस प्रकार हड़प्पा कालीन धर्म परंपराओं का ऐतिहासिक भारत में प्रचार हुआ। लोक समुदायों ने दस्ताकारी के रूप में परंपराओं को बनाए रखा और मृत भांड और औजार निर्माण की परंपराओं से स्पष्ट होता है। इस बार फिर जब शिक्षित नगरीय संस्कृति प्रारंभिक भारत में उदय हुई तो उसने लोक संस्कृति के मूल्य तत्व समाविष्ट कर दिए। इससे हड़प्पा परंपरा के प्रचार का अधिक कारगर माध्यम मिला। तो ये थे कुछ कर्मकिन साक्षी जो हमें मिले, जिससे हमें पता चलता है कि प्रकृति के असंतुलन से इसका हराश हुआ होगा। वनों के नष्ट होने से बाढ़ और सूखा की स्थिति आई होगी। कस्बों के लोग गुजरात और पूर्वी क्षेत्रों में चले गए होंगे। हराश की प्रक्रिया में आसपास की बस्तियों से हुए हमले और धामों से पूरी हुई होगी। यह गणना इन अर्धशुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा था उस वजह से हुई होगी, क्योंकि मनुष्य और मवेशियों की आबादी वन खाद्य और ईंधन पर डिपेंड होती थी और इनकी समाप्ति हो रही थी। इन ईंधनों की समाप्ति हो रही थी, इन स्रोतों की समाप्ति हो रही थी। इसकी आलोचना क्यों होती है कि क्षेत्र की जमीन आज भी उपजाऊ है। इससे जमीन की शक्ति क्षीण हो जाने की परिकल्पना उचित सिद्ध नहीं होती। यह प्राकल्पना प्रमाणित किए जाना कि हड़प्पा कस्बों की जरूरतों की गणना के लिए कुछ अधिक सूचना जरूरी है। हराश नहीं हुआ होगा, नियंत्रता प्रकल्पना यानी कि प्रास्थितिक सिंधु घाटी मनुष्य प्रकृति से संबंधित संबंधों पर केंद्रित है और हराश को स्पष्टीकरण करने में आई समस्याओं के कारण विद्वानों ने कहा कि हराश के कारणों की खोज बंद कर दी और हड़प्पा सभ्यता की नियंत्रता को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा। स्वीकार किया कि नगरों का हराश हुआ और मोहरे लेखन मृत भांड जैसी कुछ परंपराएं समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में हमें पशुपति शिव मातृ देवी की उपासना और लिंग पूजा हमें तथा संभवतः हड़प्पा परंपराओं से ही पहुंची हैं। इस प्रकार पवित्र स्थानों नदियों व वृक्ष या फिर पवित्र पशुओं की उपासना स्पष्ट भारत के बाद के इतिहास में सभ्यता में हमें देखी जा सकती है। काली बनगन और लोथर में अग्नि पूजा बलि का साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ बौद्धिक धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य बनाए गए हैं। क्या आर्यों ने यहाँ यह प्रथा हड़प्पा के पुरोहित वर्ग से सीखी थी? इस प्रकल्पना के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है। ऐसे होना संभव तो है ही है। मकानों के नक्शे, जल आपूर्ति व्यवस्था, स्नान घर पर ध्यान देते हुए घरेलू जीवन के अनेक पहलू इन बस्तियों में बाद के कालों में भी जारी रहे। भारत की परंपराओं में तोल और मुद्रा की प्रणाली जो इकाई 16 के अनुपात पर आधारित है हड़प्पा सभ्यता के काल में विद्यमान थी। ये उन्हीं से ली गई प्रतीक हैं। आधुनिक समय में कुम्हार के चाक भी उन्हीं के हैं। आधुनिक भारत के इस्तेमाल किए जाने वाली बैलगाड़ी और नावें हड़प्पा के नगरों में विद्यमान थी। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व प्रवर्ती ऐतिहासिक परंपरा में भी जीवित रहे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ही भारतीय सभ्यता बनी ऐसा माना जाता है। इस इकाई में इतना ही। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी इकाई का, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या बचा है जो आज हम आज के समय में भी उनको अपनाते हैं, आज के समय में भी इस्तेमाल करते हैं। इस इकाई में हमने हड़प्पा सभ्यता के हर एक पहलू के बारे में जाना। अगली इकाई में हम हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए देखें इकाई 6 की वीडियो, हमारे चैनल पर जल्द ही आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
जय हिंद, जय भारत।